हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, क्या नमस्कार, कौन हाल है जी? बात कर रहा? जी रोहतक से बोल रहे हो ना आप? हाँ हाथरस नगर हाँ बोलो। जी। आपने गाड़ी छोड़ रखा है ओलेक्स पे कार? हाँ बोलो। सर कागज ओके हैं सर गाड़ी के? तो हाँ ओके। टायर देखना, कौन बात कर रहा है कागज भाई? ओके हैं सर? इंश्योरेंस, प्रदूषण पर्ची, सारे कुछ ओके हैं सर? तो टायर आधे हैं ना सर इसके? हाँ तो सर 1,70,000 का आपने वो छोड़ रखा है इससे, तो इसमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा सर? हैं हाँ आज ये गाड़ी देखना जी, मौके पे कर लेंगे, मौके जी? देखो पे कर लेंगे भाई। जी वो तो कोई बात नहीं है, आप बताओ तो सही कितना डिस्काउंट मिलेगा सर, आगे फिर मैं आपसे बात करता हूँ। 160 में दे दूंगा फाइनल। आपको 1.5 लाख मिलेगा सर फाइनल। डेढ़ दे दिए भाई तू। वो क्या है सर, मेरी बात सुनो सर, गाड़ी किसी को देना नहीं है आपको। अच्छा, पेटीएम कोड बताना तो मेरा पड़ता भैया इंडियन आर्मी से फौजी है सर जी, है? अच्छा, कौन सी जगह है? गुड़गांवा, राजीव नगर, गली नंबर 6, मकान नंबर 3/4। 3/4 कौन सा हो गया भाई? मकान नंबर है थोड़े। अच्छा अरे जी सुन, राजीव नगर। अच्छा हाँ सुन जी सुन मेरी बात है। मैं पुलिस में जॉब करा करूँ, हेलो अब मेरी सुनी पे एक बात जी सर। बता भाई। जी सर मैं गुड़गांव ही हूँ, साइबर सेल में गुड़गांव। कहाँ पे, कौन साइबर सी जगह हो सर? अच्छा सेल में सेक्टर 25। अच्छा सर, ये, सेक्टर 34। हाँ एक बात बताओ तुम, जैसे जी सर तुम ये जी करते हो कॉल वगैरह तो तुम बोलोगे पैसे डाल देते हैं आप पेटीएम का, वो बताओ तो पैसे तुम निकालते कैसे हो फिर उसमें से, अकाउंट से पैसे जी सर, पैसे क्या निकाल दिया? अरे कैसे निकालते हो फिर तुम अकाउंट से? हाँ सर पैसे कैसे निकालते हैं, मतलब जैसे अब तुमने बोल दिया हम इतने पैसे दे दें, तुम बोलोगे अकाउंट में डाल देता हूँ मैं 50,000 रुपये, 20,000 रुपये, जी सर तो तुम बोलते हो नंबर बताओ अपना, तो उसमें से पैसे गायब कैसे करते हो ये सिखा दो यार हमें भी, हम भी कमा लें कुछ जी। पैसे, कुछ तुम कमा लेना कुछ हम कमा लेंगे अच्छे मतलब क्या, भाई। अनजान ना बने, जो बात पूछू वहां बता दे, बताता हो तो ना बताता हो तो काट दे फोन। सर हम पैसे ऐसे काटते हैं सर जैसे आप बात कर रहे हैं। अच्छा ऐसे ही हाँ जी जितने हो उतने ही निकाल लेते हो? सर, जितना होगा उतना निकल जाते हैं सर, जितना भी होगा उसमें अंदर। अच्छा फिर सिखाओ यार, हाँ जी सर, हम भी कमा लेंगे, इस नौकरी में कुछ नहीं होता। क्या नौकरी करते हो सर आप? अच्छा साइबर सेल में हूँ, हरियाणा पुलिस में। सर, पुलिस में हो तो हाँ, कुछ नहीं होता है यार इस तनख्वाह में, कुछ नहीं होता, तो हमें भी बताओ यार कैसे करते हो। 1 मिनट, कौन से थाने में ड्यूटी है आपकी? सेक्टर 34। 34 में अरे वो सर, तो मैं सेक्टर सारा चौंतीस डिटेल बता तो दूंगा, थाना नहीं है बैच नंबर भी बता दूंगा तेरे को, बेल्ट नंबर भी बता दूंगा, सब बता दूंगा, बताओ ना यार। अच्छा सर। मेरी बात, सर मेरी बात सुनो, सेक्टर 34 में तो थाना नहीं है सर। जी अरे मैं सारी डिटेल दे दूंगा भाई, गुड़गांव में हूँ मैं, तुम तो बताओ यार, सर, नहीं बताते हो तो बता दो यार, नहीं तो रख दो फोन, कोई बात नहीं है। बस अरे सर मैं बता दूंगा, वो कोई मैं तो बात नहीं है, भाईचारे के आप हिसाब से पुलिस पूछ की रहा हूँ नौकरी यार। में हो। अरे यार मैं तो भाईचारे के हिसाब से पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, बिल्कुल बताऊंगा, मेरे को आपसे कोई डर थोड़ी लग रहा है तो वही बात ना, मुझे पता है तुम्हारे नंबर भी ट्रेस नहीं सर। होते, इस बात का ही पता हमें अच्छे से पता है यार सब, बाकी यही पूछ रहा हूँ यार मैं तो भाईचारे की उससे पूछ रहा हूँ, बताओ यार हम भी कमा लेंगे पैसे, कैसे कमाते हो कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते जैसे अपना आपका गूगल पे का नंबर दे दिया तो उस पर रिसीव करके बैलेंस मैसेज छोड़ देंगे। अच्छा जैसे मैंने नंबर बता दिया मेरा, ये नंबर है गूगल पे का, फोन पे का,
जी तो आप उस पे मैसेज करोगे, मुझे ओटीपी बताना पड़ेगा या वैसे ही निकाल देते हो? नहीं जी, आपको ओटीपी कुछ नहीं बताना पड़ेगा, वैसे निकल जाएगा। वैसे ही निकल जाएगा जैसे नंबर बताया? तो आपने जैसे गूगल पे का नंबर बताया, तो आपको गूगल पे का नंबर पे हम इधर से मैसेज भेजेंगे। जैसे आपको मैंने 1 लाख रुपए जमा करना है तो 1 लाख रुपए का मैसेज भेजेंगे हम। आपको बोल देंगे सर आपके पास मैसेज आया, मैसेज खोल लो। अच्छा, जैसे ही मैंने मैसेज खोला, खोलेगा मैसेज तो उस पर लिखा आएगा कि जी मुझे पे करो। अच्छा, तो आपने पे कर लिया, पे करने के बाद में आएगा सेंड करो, सेंड कर लिया, सेंड करने के बाद में मांगेगा पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर लगा के तुरंत चेक करो, कट जाएगा। अच्छा, नहीं जैसे तुम मेरे को बोलते हो, तुमने कॉल किया जैसे आज मेरे पास से, तो तुमने बोला कि मैं आपके अकाउंट में 20,000 रुपए डाल देता हूँ पहले, फोन पे से, गूगल पे से, जैसे भी है, तो मैंने अपना नंबर बताया आपको, उसके आगे का प्रोसेस कैसे फिर? जी उसके आगे कैसे होता है सर फिर? जैसे आपने गूगल पे का मेरे को नंबर बता दिया, तो मैं इधर से अपना क्रेडिट कार्ड से आपके लिए मैसेज छोड़ूंगा, या आपने गूगल पे से छोड़ूंगा, या आपने फोन पे से छोड़ूंगा, इधर से मैसेज छोड़ूंगा आपको। तो आपके पास मैसेज आएगा तो मैं आपको बोलूंगा सर मैसेज खोलो, मैसेज आया आपके पास, तो आपने मैसेज खोलेगा तो मैं आपको बोलूंगा सर देखो कितने पैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, शो कर रहे हैं? बोलेगा जी शो कर रहे हैं 50,000। ठीक है, तो आपको हम बोलेंगे सर पे कर लो, पे करने के बाद सेंड कर लो, सेंड करने के बाद पासपोर्ट नंबर लगा के तुरंत चेक करो, जमा हो जाएगा। वो पासपोर्ट नंबर लगाएगा पैसा कट जाएगा। अच्छा, अपने आप कट जाएंगे मेरे अकाउंट से? जी सर। सही है यार, सिखाओ, मैं भी कहाँ पे है, कहाँ पे हो तुम? नियर बाय तो ये तो पता है, नियर बाय तो हो नहीं तुम मेरे। हैं जी, नियर बाय तो हो नहीं तुम मेरे, कहाँ से हो तुम? नहीं, मैं तो यहीं पे हूँ गुड़गामा, अपने भगवान होटल के साथ ही। अच्छा, तो आओ मिलो यार कभी, हमारे को भी बताओ यार कैसे करते हो, एक दो बार सिखाओगे तभी तो कुछ सीखेंगे, बाकी कुछ हेल्प चाहिए बता देना। आपके पास मैं आऊंगा, आपको आपने मेरे को ही बंद कर लिया फिर क्या होगा? अरे मैं आ जाऊँ फिर? नहीं, आप आओगे तो मैं आपको बताता रहा हूँ ना, आपने मेरे को बंद कर लिया फिर क्या करोगे? अरे यार नहीं है, भाईचारे वाली बात है यार, ये अगर करना होता वो तो कोई बात नहीं होती यार, वो तो ऐसे ही जब पकड़ना होता छोड़ के थोड़ी ना है। जो बात थी यार मैंने तुमसे क्लियर बता दी, मैंने तो पूछा था। हाँ अरे मुझे लगा हाँ आपके पास वन मिनट मेरी बात सुनो, देखो आप तो पढ़े लिखे समाज है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, ठीक है सर? अरे काम अनपढ़, ये काम पता है इतने दिमाग वाले हैं ये केवल जो, मेरी बात तो सुनो। हाँ भगवान, भगवान कसम अनपढ़ हूँ, मेरे पास मेरा नाम लिखना भी नहीं आता, भगवान कसम। ठीक, अच्छा, तो लेकिन थोड़ा सा दिमाग है। अच्छा, जो मेरा माइंड टेंट खोपड़ी है सर। ये बात ठीक है सर, ठीक है, उसमें क्या है कुछ भी नहीं होता है, इसमें क्या कोई भगवान का नाम नहीं लेना पड़ता है, कोई मंदिर नहीं जाना पड़ता है। तो आपके जैसे मैं आपको बोलता, आप जैसे फोन पे का नंबर देता तो मैं आपको जैसे यहाँ से 50,000 का मैसेज करता, आपके पास मैसेज जाता तो मैं आपको बोलता भाई सर मैसेज खोलो, आप मैसेज खोलते तो मैं आपको बोलता सर पे करो, पे करने के बाद में सेंड करो, सेंड करने के बाद में पिन नंबर लगा के चेक करो, तो जैसे पिन नंबर लगाओगे वहीं के वहीं बैलेंस माइनस हो जाएगा आपका। अच्छा, अगर मेरे उसमें केवाईसी कंप्लीट नहीं हो तो? अगर आपके में नहीं है तो फील्ड बोल जाएगा पैसा। अच्छा, इधर मेरे को पता लग जाएगा कि भाई भाई साहब के अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है। अच्छा सही है, ये सही बात है, मतलब वो ऐसे नहीं है कि मैंने आपको नंबर दे दिया तो मेरे अकाउंट से तो कुछ नहीं कट पाएगा ना, अगर मैं कुछ आगे की प्रोसेस नहीं करूंगा तो? बिल्कुल नहीं कटेगा सर, यही उसमें डायरेक्ट लिखा जाता है सर बैलेंस रिश्यू का मतलब मेरे पास आएगा। अगर हम ओरिजिनल पेमेंट करते हैं जैसे किसी पे कोई भेजता है, वो तो बिना रिसीव करे ही आ जाती है सीधे अकाउंट में? हाँ जी वो तो आ जाती है, वो क्या है कि जी पेमेंट कर रहे हो आप तो, और आप डलवा रहे हो अपने में, आप किसी को डाल रहे हो तो डायरेक्ट जाएगा, और हम जैसे डालेंगे तो हम तो पता है तुम तो मैसेज लिखते हो वो कैसे होता है, मैंने एक दो बार और सुना था, एक दो भाई से और बात किसी ने बताया नहीं, बाकी आप देखो मैं आपसे बात करके बाकी अच्छा लगा आपने, चलो बताया भाईचारे के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनो, आप अपना फोन खोलो। अच्छा, तो
तो उस पे नेट पे मंगाओ जी बैलेंस रिक्वेस्ट, उस पे मंगाओगे ना आप, जैसे हम अगर फिल्म मंगाते हैं कि भाई हमारे को धर्मेंद्र का देखना है या अक्षय कुमार का देखना है, समझ गया ना, ये बैलेंस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब हमारे पास आएगा बैलेंस, किसी का भी कट के आएगा, तो उसमें डाले, उसमें डायरेक्ट लिखा जाता है बैलेंस रिक्वेस्ट, तो उसको पे करने के बाद में तो बैलेंस हमारे पास आएगा, वो पे करेगा, सेंड करेगा, पिन नंबर लगाएगा, तुरंत कट जाएगा। ठीक है सर, सही है भाई, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, कितने पैसे कमा लेते हो तुम महीने के? ये तो सर ऐसा है, अगर काम बन जाता है तो 10 मिनट के अंदर भी 3 लाख हो जाते हैं, अगर काम नहीं बनता के तो 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं। नहीं, जैसे जैसे एवरेज निकालते हो महीने का तो मतलब कितने? अरे आराम से हो जाते हैं, कम से कम 20-25 लाख रुपए एक बंदे के, मतलब सभी के? नहीं, एक बंदे का, सभी का होगा तो क्या खाएगा। अच्छा, नहीं अकेला बंदा तो यार नहीं कर सकता है, ये तो मुझे लगता है नहीं। देखो अकेला बंदा तो नहीं कर सकता, ग्रुप ही होता है। मैं आपको बताता हूँ, आपके अकाउंट में मिनिमम राशि अगर 6 लाख रुपए हुए, समझ आ रहा है? समझ गया जी, तो आपके अकाउंट में 6 लाख मिनिमम राशि हुआ तो हम आपको बोलेंगे कि सर मैं आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है? तो 3 लाख रुपए से तो हम उसको देंगे, शुरू शुरू में अगर करेंगे काटेंगे तो उसके हम 1,50,000 उठाएंगे, ठीक है? तो आपसे जैसे मैंने पूछ लिया प्यार से, सर अपना मैं इधर से इतना पैसा जमा करूंगा तो मिनिमम राशि कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 9 लाख हो जाएगा, तो इधर मेरा दिमाग कोई गोबर थोड़ी दिखा रहा है, मैं समझ जाऊंगा इसका अकाउंट में 6 लाख है, ठीक है सर? तो वो 6 लाख रुपए पूरे उठेंगे, रुकेंगे नहीं किसी से भी। अच्छा, एक बार जैसे तुमने वो कर दिया पे का मैसेज, मैंने एक बार कर दिया, दोबारा फिर मुझे वही करना पड़ेगा या तुम फिर अपने आप उठा लोगे? फिर हम अपने आप उठा देंगे सर, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक ही बार जरूरत है बस? हाँ, एक ही बार बूझते हैं, एक बार बूझने पे 0-0 पाएगा अकाउंट। अच्छा, एक ही बार में फिर तो कुछ कर ले कोई फायदा नहीं, कुछ कर ले फिर तो, एक बार निकले तो निकले। अच्छा, जैसे तुम्हारे पास अकाउंट होते हैं करंट के होते हैं या सेविंग के, कैसे मतलब? अरे हमारे पास तो करंट मर्चेंट अकाउंट होता है, मतलब एक क्लिक में निकलवा लिए खाते से पैसे, चाहे किसी का भी हो, तुम्हारे खुद के तो खाते होते नहीं, इतना तो पता है मुझे। अरे हमारे पास नहीं होता, 2 नंबर का वो होता है काम, तो आप समझदार हो, आप पुलिस में हो तो आप समझदार होना चाहिए आपको। समझ गया मैं, आपको तभी तो बता रहा हूँ, तुम्हारे पास खुद के तो होंगे नहीं, खुद वाले में ऐसा करोगे? हम ऐसे करते अपना गाड़ी लगाया पेट्रोल पंप पे, सर इसमें डीजल कर दो 5,000 का, 6,000 का, 10,000 का, जितना भी मर्जी करा सकते हैं हम डीजल, उसको हम बोलेंगे सर पेटीएम यूज करते हैं जी सर, तो चलो बनकी जी पेटी में फील्ड बोल रहे, बोलो सर मशीन में डाल दो, अंदर मशीन है अपना कमरे में, ठीक है? अच्छा, तो उसके पास जाएंगे तो अपना पूरा बैलेंस डाल देंगे हम उसकी मशीन में, फिर बोलेंगे सर मेरे से तो गलती हो गई, मेरा तो पूरा पेमेंट चला गया, वो बोलेगा चलो मैं आपको केस दे देता हूँ, कोई नहीं। अच्छा, ऐसे भी कर देते हो फिर? फिर जैसे कभी वो फ्रॉड का उन्हें पता चल जाए तो गाड़ी के नंबर प्लेट वगैरह से कुछ हुआ नहीं आज तक कभी? कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, ये जो हमारे पास जो नंबर होते हैं, ये एक सिम खरीदोगे तो एक सिम मिलेगी आपको 25,000 रुपए की, इतने का मोबाइल नहीं होता जितने का सिम का कीमत होता है, ठीक है सर? तो मैं समझ गया ये चीजें, नहीं जैसे तुम बोल रहे हो गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हो डीजल डलवा रहे हो, तो मतलब वो नहीं है कि जैसे पेट्रोल डलवा लिया तुमने तो वहाँ वो नंबर प्लेट देके कि इस बंदे ने स्कैम किया हमारे साथ, तो ऐसे कुछ अब तक हुआ नहीं कंप्लेंट वगैरह या गाड़ी भी नहीं? अगर कितना भी कंप्लेंट सुनो, आप कितना भी कंप्लेंट कोई करेगा, कितना भी ना करे तो कंप्लेंट करेगा तो पेट्रोल पंप वाले बोलते हैं लाखों आते लाखों ले जाते हैं, ठीक है? मुझे क्या पता कौन था कौन नहीं था, ठीक है? ये थोड़ी कहेगा पेट्रोल पंप वाला मेरे पास आप आओगे तो मैं आपको पेट्रोल नहीं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी है। तो बात है बराबर, तो एक बात है पेट्रोल तुम्हारी गाड़ी का बिल्कुल ऐसे पानी के बराबर ही चलती होंगी भाई। हाँ अभी तो यार सिखाओ मेरे को भी यार ऐसा कुछ सिखाओ।
यार सर आपको बता तो रहे हैं ना, आपको सिखाने में क्या टाइम लग रहा है, जब आपको मैं बता रहा हूँ ऐसे करना होता है, जैसे आप फिल्म मंगा लोगे तो ऐसे रिक्वेस्ट मंगाओ, रिक्वेस्ट पहले। अब मैं एक बात छोड़, मैं आपके पास बोल देता हूँ, अभी रिक्वेस्ट डालता हूँ। कैसे डालनी है वो रिक्वेस्ट, मुझे अपने अकाउंट से डालनी है या कैसे, मतलब? अरे मैं अपने फोन पे से डालूंगा ना रिक्वेस्ट, दो नंबर का फोन पे होता है हमारे पास। अच्छा, पहले तो फोन तो पे दो नंबर नंबर का, पे, एक दो नंबर का है। हाँ सुनो सर, हाँ आपका जैसे फोन पे चला रहे हो आप, आप फोन पे चला रहे हो तो मैं आपको मैसेज करूंगा, आप मैसेज को पे करेंगे, सेंड करेंगे और घंटे लिख कर करेंगे, उसके बाद मैं पिन नंबर लगाओगे तो मैं आपका पूरा केवाईसी उतार लिया, जैसे फोन पे का आपका केवाईसी मेरे पास आ गया तो मेरे पास 2 महीना चलेगा, 3 महीने चलेगा, फिर मैं आपकी केवाईसी से उतारते रहूंगा, मर्जी जहाँ से पैसे खींचते रहूंगा, ठीक है? अच्छा, जैसे आपके पास मेरी केवाईसी आ गई, मेरे उससे आईडी से, मतलब केवाईसी जितनी भी अकाउंट लिंक हो सभी से निकल जाएंगे पैसे? देखो आपकी केवाईसी मेरे पास आ गई तो फिर मैं मर्जी हिंदुस्तान में किसी के भी पैसे काट सकता हूँ उससे, तो अगर आपके केवाईसी से मैं पैसा काटूंगा, कोई मेरे नाम से कंप्लेंट करेगा उस केवाईसी पे, तो फिर आपको पकड़ेगा, कोई मेरे को नहीं पकड़ेगा, ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल, आगे ना समझ में, जब आप मेरे को ये बोलेंगे ना चलो मैं आपके नाम से कंप्लेंट करता हूँ, मैं आपको पता है क्या धमकी दूंगा, आप बेशक पुलिस वाले हो, अपने घर पे शांति से बैठ जाओ, आप कंप्लेंट करोगे, आप जितना मैं माइनस बैलेंस काट लिया किसी का, सारा तेरे को देना पड़ेगा, फिर आप चोर बन जाओगे उसमें, समझ आई सर? ठीक बात है तो आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते फिर उस मेरे नाम से उसपे। यार लग तो नहीं रहा यार, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, आपकी बातों से, आपकी समझदारी से। सच बताओ यार, कितने पढ़े हो? सर मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, झूठ नहीं बोल रहा सर, मैं एक भी पढ़ा नहीं हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, भगवान कसम, गौ माता की कसम, गूंथा टेक के बस काम निकालता हूँ अपना। लेकिन जो अच्छा सुनो, और ऐसे कहा फिर आप? सर मेरी बात सुनो, जिसने अगर बेड कर रखी है ना, जब बेड कर रखी है कि मैं पुलिस मैन हूँ, मैं सर्विस मैन हूँ या मैं आर्मी से हूँ, उसको भी मैं पढ़ने नहीं देता हूँ, इतना जितना मैं लगा दूंगा दिमाग, मेरा दिमाग कंपाउंडर है बिल्कुल। ओके ये तो मैं समझ गया। अच्छा सुनो, एक दोस्त था मेरा, उसके पास उसने कॉल की ऐसे ही गाड़ी देख के ओलेक्स पे, तो वो देखने चला गया यहाँ पे अपना पालम एयरपोर्ट, ज्यादातर कॉल यही भी आते हैं कि पालम से एयरपोर्ट, पालम ब्यारा एयरपोर्ट, हाँ यही हूँ मैं, ये है वो है, तो वो स्कैम कैसे होता है वो, मतलब वो लूटते हैं उनको वहाँ पे, मैंने मना किया था उनको कि ना वहाँ, तो वहाँ पे कैसे फील्डिंग होती है, मतलब कैसे क्या? वो ऐसे करते साहब, इधर जितने भी हैं बहुत से लोग हैं, ये नहीं मैं ही कर रहा हूँ, बहुत लोग कर रहे हैं इसको, पता है मुझे जितने, मैंने हमारा तो यही काम है यार, अब क्या छुपाना आपसे, हम हमें तो पता है कितना होता है, लेकिन हम बस पूछ रहे हैं कि मतलब वो कैसे करते हैं फिर, जैसे वो ऐसे करते हैं, मैं अपने यहाँ से लोकेशन भेजूंगा, जैसे मेरा गाड़ी है, मैंने अपना गाड़ी का फोटो कर लिया, मैंने फोटो करके व्हाट्सएप कर दिया भाई, ओलेक्स पे छोड़ दिया, ओलेक्स पे आपने, आपका फोन मेरे पास आ गया सर, मैं कि इतना गाड़ी 1,00,000 का बेच रहा है सर, इसमें डिस्काउंट मिलेगा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था। हाँ समझ गया मैं, वो ऐसे बात करेगा तो मैं उनको बोलूंगा, देखो सर आप ऐसा करो, आधा पेमेंट मेरे को फोन पे पे डाल दो और बाकी पेमेंट मेरे को कैश दे देना, गाड़ी मैं आपको एयरपोर्ट पालम बिहार दूंगा, ठीक है? तो वो लालच में आ जाएगा, तो वो मेरे को 3,00,000 जमा कर दिया, 3,00,000 जमा करने के बाद में कौन एयरपोर्ट जा रहा, कोई नहीं जाएगा, ये बात भी है, ठीक है? इसमें परोड़ी के काम में कई कई दिमाग लगा रखे हैं सर। ये बात तो है भाई, हर जगह पे ये जैसे आर्मी का नाम यूज करते हो, थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता, बाकी सभी की वो है, कोई कुछ करके कमाए, कोई कुछ, बस थोड़ा सा वही है, ये चीज फील होती है कि आर्मी के नाम से ऐसे करते हैं बंदे, तो आर्मी के नाम से जब ऐसे करते हैं ना, जब वो बोलते हैं ना कि भैया ऐसे क्यों करते हो, जब हम उसको ये बोल देते हैं साले एक बात बताओ मादरचोद, नरेंद्र सिंह मोदी से बात करो, मैन के लोड़े ने जब से खाते ऑनलाइन करें तो पैसे काटना चालू करा था, और नरेंद्र मोदी ने हमारे को बोल रखा है सबका पैसा काटो, ठीक
ठीक है सर। फिर नरेंद्र सिंह मोदी को गाली देंगे माँ बहन की साले को। बात का ये स्कैम तो मेरे ख्याल से जब से ये आधार से लिंक हुए अकाउंट उसके बाद शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था ना ऐसे? पहले नहीं होता था, ये अभी ऑनलाइन के बाद ही हुआ है, स्कैम शुरू है ना, उसके बाद ही कंप्लेंट आ रही है बहुत ज्यादा। अभी आपको क्या बताऊं, दिन प्रतिदिन ये कंप्लेंट्स बढ़ती ही जा रही हैं। हाँ, ये कुल मिला के मतलब कहने का ये है, अब अगर ये फोन पे बंद हो जाएगा, गूगल पे बंद हो जाएगा, सब सिस्टम बंद हो जाएगा, अब हम लोग तो ये कमा लिया जितना कमाने वाले थे, मजा मारेंगे हिंदुस्तान में अब। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉपर्टी कितनी है तुम्हारे पास जी, और कितने दिन हुए काम करते हुए आपको? मेरे को सर ज्यादा नहीं हुआ तो मेरे को हो गए कम से कम मान के चलो 3 महीने। अच्छा कितने पैसे कमा लिए अब तक तुमने? मैं आपको सच बताऊं गलत बताऊं? बिल्कुल सच बता दो, कोई वो बात नहीं यार, गलत बताने वाले तो कोई मैटर ही नहीं है। 1 करोड़ में 5 लाख कम है, 95 लाख रुपए कमा लिए तुमने। अभी तो बाकी तुम छोड़ना चाहो तो इस धंधे को छोड़ के दो, 1 नंबर का भी काम कर सकते हो इतने पैसे से कुछ भी। अरे एक बार पकड़ गया ना, मैं पकड़ गया तो मैंने कहा तेरी मादरचोद साला बोल मुंह से कितना पैसा लेगा साला मादरचोद तू। अच्छा कहाँ पे पकड़ा गया? अरे उधर ही पकड़ा गया मैं, असलापुर। कहाँ पे? असलापुर। अच्छा मैंने उसको बोला बोल मादरचोद कितना पैसा लेगा, यही के यही बोल साले जल्दी फटाफट। उसने बोला चलो मिठाई सिठाई दे, मैंने उसको 50,000 माथे में मारा, मैं अपने घर के लिए आ गया बस। फिर पकड़ा कैसे गया भाई तू? अरे वो किसी ने सियाड़ी दे दी ना। अच्छा मुखबरी? हाँ जी ठीक। अच्छा मतलब कि ऑफिस होगा भाई तुम्हारे पास भी? हाँ है ऑफिस होगा तुम्हारे पास भी? अरे सारा कुछ है। अरे सर मैं इसको सबका जानता, पूरा गुड़गांव का एक एक जगह जानता, जो मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो जानूंगा नहीं क्या सर? ना 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 बिल्कुल। फ्लैट कितने हैं तुम्हारे पास अब इस टाइम में? यहाँ पे गुड़गांव से इधर गया हुआ हूँ एनका के पास। अच्छा एनका फैक्ट्री है ना अपना? हाँ वहाँ पे गया हूँ, दो दोस्त है उनके पास मिल रहा हूँ, ठंडा वंडे पी रहे हैं। अच्छा मेरा क्या है, मैं अभी अभी आया हूँ यहाँ, मैं पहले करनाल था। अच्छा अच्छा करनाल। वहाँ पे इतना नहीं था, ये कुछ कुछ आती थी, अभी ज्यादा आने लगी। यहाँ पे आया तब पता चला ऐसे भी होता है कुछ। देखो देखो मैं आपको बताऊँ, इतना वो नॉलेज भी नहीं है गुड़गांव के बारे में अभी। देखो जी मैं आपको बताता हूँ, आप बच्चों के लिए नौकरी ऐसे करती हो तो हम ऐसे करते हैं सर, बात सुनो मेरी। आप अपना गाड़ी ऑल एक्स से हटा दीजिए बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आप तो यहाँ गुड़गांव आ गया, आपको थोड़ा सा सो हो गया, अगर आपको पहले अगर गुड़गांव में नहीं आता, सो नहीं होता तो भगवान कसम कट जाते आप। अगर आप गुड़गांव में नहीं आती ना आपकी ड्यूटी, तो अगर आपकी करनाल ड्यूटी रहती तो करनाल में अगर पहले कोई हमारा जैसा फोन कर देता तो आपके पैसे काट देता। हाँ तो आज मैंने तभी तो आपसे बात करते ही पहचान लिया ना मैंने। आप समझ गए सर। एक दो जैसे हुआ था करनाल में भी एक दो वाक्य ऐसे ही, तो तब कुछ था इतना नहीं था कि ऐसे भी होता है इतना, लेकिन आने दिन प्रतिदिन कंप्लेंट समझ ही नहीं। अरे वो कितने देखो सर, आप तो मुलाजिम आदमी है, पुलिस वाले हैं, आपके पास जितनी मर्जी कंप्लेंट कर ले आप हमारे को पकड़ नहीं पा सकते। अगर हमारे को आप पकड़ पा सकेंगे तो आपके लिए हम 50-80 हजार रुपए दिए तो आप हमारे को वहीं पे वहीं उतार देंगे, बोलेंगे जा इसकी बहन के ससुराले को घूमने दे। हाँ ठीक बात है, जल्द बोल रहा हूँ 50,000 के, अगर 50,000 मैं आपको दूंगा तो आपके मुंह से पानी बाहर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल जायज बात है आपकी। नौकरी में छोटी सी नौकरी में इतने टैक्स वैक्स इतना वो, नौकरी अगर कुछ 2 नंबर का करे तो नौकरी जाने का खतरा, वही इज्जत बड़ा पंगा है। वो तो है, इसलिए भी आप देखो आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, सरकारी आटा खा रहे हो, हम तो देखो यहाँ पे रहते हैं घर पे तो हम तुम्हारा घर तो है, लेकिन करके तो तुम भी खा रहे हो चाहे कुछ भी करते हो, दिल से करो। वो तो है, देखो पब्लिक से पब्लिक खाती है, जब मर जाते हैं तो पेट बांध के कोई नहीं लेके जाता है। गलत है
नहीं सही बात है, बताया नहीं अगर हम कितना मर गए, फ्लैट है तुम्हारे पास। तो सारा कुछ चेंज रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बताया नहीं यार तुम कितने हाँ फ्लैट है तुम्हारे पास, जी तुमने बताया नहीं कितने फ्लैट है तुम्हारे पास। भाई साहब, मेरे पास अभी तो ज्यादा नहीं है, मेरे पास दो है। अरे वाह, कौन सी जगह पे है, गुड़गांव में। मेरा एक फ्लैट तो है दिल्ली मदनपुरी, वो क्या नाम है, मदनपुरी मुड़ाया आपसे, वो क्या नाम है उसका, मालवीय नगर ठीक है, मालवीय नगर सुना है। अच्छा जी। और एक फ्लैट अपना गुड़गांव है। सही है यार, कमाओ अच्छी बात है। बाकी एक बात जी सर, बताओ, जैसे पता चल जाता है तुम्हें कि मतलब वन जैसे मिनट वन मिनट रुकना। हेलो, अरे यार मैं तो फोन कर रहा होगा, मेरा मोबाइल का ऑल एक्स बंद हो पड़ा होगा, मतलब वहां पे फिर ना आ रहा, तो ऑल एक्स को फोटो निकाल के देखे तो तेरा पा रहे हैं क्या, मतलब ऐड आ रहा है क्या ऑल एक्स का तेरा मोबाइल पे, ना आ रहा यार, कहाँ चक्कर पड़ रहा हूँ, सब जगह से नेटवर्क बिजी बोल रहा है। अच्छा हाँ, ऐसे ही आ रही है। अब एक पुलिस वाला नंबर लगा, हॉल्ट सही है, मजा ले बूझ रहा मेरे से, मजा ले रहा है, वो बोल रहा है भैया मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, मैं कर लेता हूँ काम, मन के भैया तू भी कर ले, हम भी कमा रहे हैं तो हाँ मन की आठ लेते रहेंगे नौकरी से क्या फायदा, बच्चों के लिए कमा रहे हो, अच्छे कमा रहे हो, हमारे तो ऐसे है, हम आज कमा रहे 2 दिन रुके थाने चला जाते हैं मन की। हाँ ये बात तो है। तो सर मैं गलत बोल रहा हूँ कि आप तो ठीक से बच्चों के लिए कमा रहे हो, ना नहीं ना ना, मानते ठीक हो। बात है भाई। अच्छा एक बात बताओ, बुरा मत नहीं मानियो, जैसे ये बोलते हैं कि मतलब जैसे ठगी का पैसा कभी वो नहीं होता, मतलब रुकता नहीं अपने पास, ऐसा ही है मतलब ना, कुछ। हम तो सर रोक देते हैं, हम तो साले में ब्रेक लगा देते हैं सर वाक्य में बड़े हंसी मजाक बंदे हो यार, बड़े अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है अपना। ठीक है सर, ओके ठीक। चल ठीक है भाई जी, आगे ध्यान रखियो। वैसे एक बात